इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत रास्तारी के साथ। खुदा करे सब काम खैरियत से हो जाए। नसीम, मेरी कोई भी मदद दरकार हो तो प्लीज मुझे बताने में झिझक महसूस नहीं करना। शो प्लीज, मेरे लायक अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताएं। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अदनान से बात करूं क्या करूं। उसे हौसले की बहुत जरूरत है और मेरे ख्याल से उसका हौसला सिर्फ आप लोग बढ़ा सकते हैं। सर, मैं अब चलता हूँ। ओके नसीम, मैं जाऊंगी अदनान के घर, समझाऊंगी मैं उसे, तुम फिक्र नहीं करना। अदनान बेचारा रिलैक्स है ना। वैसे हमें उन लोगों का हाथ बटाना चाहिए। अभी यही सोच रही थी। सुने बात, सुने प्लीज मेरी बात सुन ले। सुने प्लीज मेरी बात सुन ले। हाँ बोलो, क्या बात? क्या मुलाकात का वक्त आज भी खत्म हो गया है? क्या तुम रोज रोज वक्त का पूछती रहती हो? तुम्हें किसका इंतजार है? इंतजार? क्या बेटी को बाप का इंतजार नहीं करना चाहिए? पापा मुझे आज तक मिलने नहीं आया। अल्लाह करे कि पापा खैरियत से हो। खैरियत से ही होंगे वो। क्या दुनिया में कोई बाप ऐसा होता है जो अपनी बेटी से प्यार ना करता हो? बीबी, ये दुनिया है, यहाँ ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। क्या कह रही हो? गलत कह रही हो। भाई, मैं मायरा को देखने के लिए इसलिए नहीं जाता, उसे देखा नहीं जाता, मेरी बच्ची इस हाल में है। नहीं सोनिया, यू आर रॉन्ग, गलत कह रही हो तुम। हैं? क्या कह रही हो तुम? तुमको किसने बताया कि मायरा हमारी सगी? देखो, इस बात का जिक्र किसी से ना करना, नॉट इवन मायरा, ओके? हाँ, तो मैं इस वक्त लाहौर में हूं, इतनी दूर हूं, मुझे टेंशन मत लो प्लीज। मैं अभी एयरपोर्ट की तरफ आ रहा हूं, गाड़ी भेज देना, बाकी बातें वहीं आ करूंगा। अब तुम जान चुकी हो तो इस बात का जिक्र किसी से ना करना प्लीज। क्या हाल बना रखा है? मत रो मेरी बेटी, खुदा खैर करेगा। दादा बू, वो बोलो बेटी, क्या बात? दादा बू, पापा को क्यों नहीं लेकर आया? वो तो कहते थे कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम
मत घबराना अकेला, अगर वो तो एक दफा भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा तुम्हारा अब्बू, आ जाएगा। मैं तो उसके हक में सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। वो रास्ता भटक गया है बेटी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो भी आ जाएगा बेटे। इकबाल ने जुर्म कर लिया है। मैं जानता हूँ, उसका इकबाल ने जुर्म उसकी मासूमियत की दलील है। वो अपना कानूनी हक भी इस्तेमाल कर सकती थी। सर वो कैसे? उसका इकबाल ने जुर्म उसके ज़हनी खलफिशार का सबूत है। जिस कैफियत में उससे ये कत्ल सरजद हुआ है ना, वो उसके असर से अभी तक नहीं निकली है। पहले हमारा अंदाजा था कि उसने ये कत्ल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है। तो सर आपका ख्याल है कि वो बेगुनाह है? ये मैंने कब कहा है? कत्ल उसने किया है, लेकिन इसके मुहर्रिकात पे गौर करना भी अशद जरूरी है। हाँ, वो तुम्हारे साथ स्पेशल ब्रांच के नसीम साहब भी काम करेंगे। वो ऑलरेडी इस केस पर कुछ काम कर रहे हैं। तुम मायरा के करीब रहकर यकीनन उससे कुछ मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। ये हैं वो पॉइंट्स जिन पर तुम्हें काम करना है। यस सर, मैं समझ गई। थैंक यू सर। यस जी, कौन? नासिर साहब जी? जी खान साहब। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है खान साहब। मैं असल में घर शिफ्ट कर रहा हूं, आपको नए नंबर्स दे। घर में वहशत होती होगी। जी सही कहा आपने, हर वक्त मायरा नजरों के सामने घूमती रहती है। मरहूमा बीवी याद आती है तुम, सोचा कि घर बदल। अच्छा किया। अच्छा, फोन मैंने आपको इसलिए किया है कि अब तो हालात और बिगड़ गए हैं। अब बताइए, मायरा को इकबाल जुर्म करने की इतनी जल्दी क्या थी? अब उसे सजा से कौन बचा सकता है? जी अब क्या बताऊं खान साहब, इतना समझाया था उसे, बताया था तुम्हें सजा से बचा लूंगा, लेकिन मालूम नहीं उसको इकबाल जुर्म करने का शौक क्यों हो गया। अच्छा, आप गए थे उससे मिलने?
جی تقریباً ہر روز جاتا رہا ہوں، کل نہیں جا سکا، طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی۔ ہاں آپ کی بھی تو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ جی ہاں، بس میں ہوں اور میری طرح ہی۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں، جب گھر بدل لیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ ایسے کیا دیکھا؟ دیکھ نہیں رہا، گواہی دے رہا ہوں۔ گواہی کس بات کی؟ تمہارے حسین ہونے کی۔ رہنے دیں، اب چلیں۔ السلام علیکم۔ میرے خیال سے میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا، آپ لوگ کہیں جا رہے تھے۔ کہو کیسے ہم؟ وہ آنٹی نے کہا تھا کہ کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ اینی ہاؤ آپ لوگ جا رہے ہیں آؤٹنگ پہ، تو میں پھر آ جاؤں گا۔ چلیں۔ مجھے نائلہ کہتے ہیں، مجھے تم سے بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو؟ دوست؟ نہیں، میرا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے میرا۔ بس یہ کہہ دی میری دوست نے۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کیا تم نے اپنی ماں کا قتل؟ وہ میری ماں نہیں تھی، قاتلہ تھی میری ماں کی۔ کس نے کہا تم سے یہ سب کچھ؟ کون بتائے گا؟ پاپا نے بتائی تھی یہ بات مجھے۔ تمہارے پاپا نے؟ پاپا نے بتائی تھی۔ اچھا خیر چھوڑو، دیکھو مائرہ، ایس ایس پی صاحب خود انوالو ہیں اس کیس میں، تمہیں سب کچھ بتانا ہوگا، پلیز مائرہ۔ فائزہ میری سوتیلی ماں تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میری ماں کی قاتلہ تھی۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا اور پھر سلیپنگ پلز دینا شروع کر دی۔ میں آ کر اپنی ستیلی ماں کو مار دیا میں نے اسے۔ دیکھو پہلے جب تم نے شاپنگ والی بات کی تھی نا تو میں نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب سر میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
कि वो आदमी बिल्कुल नहीं, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम अभी तक कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकते। वन शुड बी रियलिस्टिक। ओके सर। देखो तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इमोशनल होना खतरनाक होता है। ठीक है सर। सर मुझे अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जैसे मैंने मायरा से कहा था लेकिन वो मान ही नहीं रही है, बहुत टूट गई है वो। असल में उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि एक बार उसका बाप उसे मिलने जेल में नहीं गया। Amazing, नसीम, amazing. कैसा बाप है वो? ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कैसा बाप है। जैसे मैं नासिर साहब से मिलकर खुद पता करूंगा कि वो मायरा को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा गजब बिल्कुल मत करना। Because he is under observation. Under observation? What are you saying? उसका बाप? देखो हिना, कानून की आंख बेशक सख्त होती है, पत्थर की होती है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त होती है। वैसे अबू बता रहे थे कि शायद लेडी इंस्पेक्टर मायरा से क्लोज होकर कुछ मालूम कर सके। भाई उसके दादा हमारे साथ मिलकर, मतलब मैं, उसके दादा और सुपरिटेंडेंट साहब, हम सब ने मिलकर उस लड़की के जहन में ये बात डाल दी है कि उसके बाप का रवैया उसके साथ सही नहीं है। वो क्यों? सिर्फ इसलिए है ना कि वो खुद भी किसी नतीजे पर पहुंचे, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करके हमें भी तो रोशनी दिखाए। ओह, आई सी। काश ऐसा ही हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कैसे लग रहा है ये नया सफर? हाँ, यही सोच रहा था। क्या? यही कि तुम्हें पाने के लिए कैसे कैसे जतन करने पड़े हैं मुझे। अब आपको मेरा सारा बोझ उठाना पड़ेगा। बोझ जिम्मेदारियों का हो या फूलों का, बोझ तो बोझ ही है। मैं कौन सा फूल हूं, गुलाब का या तुम तो चमेली हो, चमेली। तो अब आप शायरी भी फरमाने लग गए। तुम इसे शायरी कहो या अफसाना निगारी, मैंने तो दिल की बात कही। दिल की बातों में नहीं आना चाहिए, दिल तो दिल होता है। दिल तो पागल कर देता है। वैसे जैसे मुझे कर दिया इस कमबख्त ने। चले चलो। इस खबर से तुम कुछ भी असर लो, लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस बात से हमें तुम्हारी मदद करने में बहुत मदद मिलेगी। क्या हुआ है? नसीम बोलो, अदनान तुम बोलो, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? देखो मायरा, तुम हौसले से सुनना।
पापा तो खैरियत से है ना? उन्हें तो कुछ बोलो ना, तुम लोग चुप क्यों हो? बोलो ना। तुम्हारे पापा? हाँ, पापा को क्या हुआ? पापा को मेरा, तुम्हारे पापा ने शादी कर ली। क्या शादी? किससे? सोनिया से। तुम पे क्या कहमत गुजर रही है, मगर ये हकीकत है। मेरे पापा इतनी जल्दी बदल जाएंगे, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। हम जब ये कहते हैं कि कोई बदल गया, तो दरअसल में वो बदलता नहीं, उसकी हकीकत हम पे खुल जाती है, आगे ही हो जाती है। अदनान, अब क्या होगा? तुम हिम्मत ना हारो मायरा, हम सभी हैं ना तुम्हारे साथ। मायरा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम एक बहादुर लड़की की तरह हमारे साथ मिलकर हालात का मुकाबला करोगी। हालात जिसे सगे बाप ने ठुकरा दिया, वो हालात से मुकाबला करने के अलावा और कर भी क्या सकती है? अच्छा, अब हम चलते हैं। कल तुम्हारी पेशी है, तुम्हें पता तो है ना? पेशी को याद नहीं रखना होता, पेशी तो खुद याद रखती है। अच्छा मैं, विश यू ऑल द बेस्ट। जी सर, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, वो तो जब दीवान जी ने फोन करके पूछा तो मुझे मालूम हुआ। क्या क्या पूछा था? यही कि ये आपको मिले कि नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि आप आजकल ऑफिस बहुत कम आ रहे हैं। वजह क्या बताई तुम? यही कि आप आजकल कुछ सेट नहीं है, तबीयत खराब रहती है आपकी। लेकिन लेकिन क्या मतलब? वो खुद ही कुछ कह रहा था कि क्या कह रहा? कि आपने शादी कर ली है। शादी की है? कोई गुनाह तो नहीं किया? और जिसको देखो ये मेरे जाती मामलात में दखल दे रहे हैं, क्यों? मैं जानता हूं सर कि ये आपका जाती मामला है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन हालात में आपने शादी की है ना सर, वो बहुत से सवालात को व्हाट नॉनसेंस। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? जी सर, मुझे पता है, और शायद अंजाम से भी वाकिफ हूं। मैं भी दीवान जी और दूसरे लोगों की तरह हैरान हूं सर। तो आप भी हैरान होते हैं और दूसरे लोगों की तरह आपको भी हैरानी होगी।
जाए जाकर अपना काम करें, जाए। मैं अपना काम करके आया हूं सर। दिस इज माय रेजिग्नेशन सर। ठीक है, मैं अगर एक बात बताऊं, जहाज जब डूबने लगता है तो पहले कोनों में छुपे हुए दुबके हुए चूहे समंदर में छलांग लगाते हैं। वेल सेड सर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ना मैं चूहा हूं और ना आप जहाज। हां, फर्क सिर्फ इतना है कि आप बहुत तेजी में हैं और मैं आपका साथ नहीं दे सकता। एंड दैट्स इट। सॉरी। आओ आओ बुआ आओ। भाई चाय और बुआ के हाथ, क्या बात है। अब तो इस घर में चाय ही रह गई है। क्या मतलब बुआ? मतलब ये, खाना तो इस घर में कोई नहीं खाता। आप खैर से पहले भी नहीं खाते थे, अब अन्नान ने भी खाना छोड़ दिया। बस दुआ करो बुआ, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह करे, मुझसे तो इसकी शक्ल नहीं देखी जाती। सुन रहे हो अदनान? देख बेटा क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। बेटा जो हो गया है उसमें अल्लाह की मर्जी थी, और बेटा जो होगा उसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल बेटा, डोंट वरी, कुछ अहम कामयाबियां हुई हैं। सुने, कोई बात सामने आई? आ जाएगी बेगम, आ जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि मामला एक चालाक मुजरिम से है, और तुम्हें पता है कि चालाक मुजरिम जो होते हैं वो सारी निशानियां पहले ही मिटा देते हैं। अबा जी, ये बहुत ज्यादती की बात है। ये सिला मिल रहा है मुझको मेरी मेहनत का, मेरे खलूस का। आप कहते हैं कि मैं उसकी दौलत छीनना चाहता हूं। कोई सगा बाप भी किसी के लिए इतना कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं उसके लिए। किसी को आज तक एहसास नहीं होने दिया कि मायरा मेरी अडॉप्टेड बेटी है। और सच तो यह है बाजी कि आपने मुझे अपनी हकीकी औलाद होने के बावजूद इस तरह से अडॉप्ट नहीं किया होगा। आप प्लीज एक काम कर दीजिए मेरा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, बस दैट्स ऑल। नसीम, तुम लीड करोगे, लेकिन ख्याल रहे किसी किस्म का खून खराबा नहीं होना चाहिए। ओके सर। और हाँ, ये लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। ओके सर, आप फिक्र ना करें। अरे फिक्र ना करके तो हमारा ये हाल हुआ है मियां, हम सबको फिक्र करनी चाहिए।
कैसी अजीब बात है कि फिक्र के नतीजे में हमने ये मुल्क बनाया और आज हम सब बेफिक्रे हुए बैठे। बिल्कुल सर, यही बेफिक्री हमारी पुश्त में छुरा घोंप रही है। बस 5 मिनट में मोबाइल ही निकाल लो। ओके सर। गुड लक। लेट्स मूव। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। कौन है भाई? पहचाना नहीं आप लोगों ने? नहीं तो मतलब आप लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं? नहीं पहचाना। मतलब आप लोगों ने मुझे बिल्कुल ही नहीं पहचाना? नहीं भाई। आप आए कैसे? मैं भाई दरवाजा खुला था, अंदर आ गया। वैसे मैं बताता हूँ कि मैं कौन। मैं पुलिस वाला। पुलिस? हाँ। और आप लोगों को गिरफ्तार करने आया। गिरफ्तार? कैसे गिरफ्तार करोगे? ऐसे गिरफ्तार करूंगा, हमारे सारे साथी मेरी हिरासत में। चलो चलो। शबीर सामान उठा, यहां से ये सारा गाड़ी में डाल। अब इससे ज्यादा वाले जुर्म के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश तो तुमने कोई छोड़ी नहीं, सर झुका दिया हम सबका। मैंने? आप लोगों का? वही पुरानी बात। खूब नासिर, जो राह तुमने चुनी है और जो सीढ़ियां तुम चढ़ रहे हो और जिस रफ्तार से सफर कर रहे हो, खौफ आता है मुझे उससे। तो मेरे पास इस खौफ का कोई इलाज नहीं है। इलाज है और अब भी। अब भी क्या? जो कत्ल हो गया है मैं उसे जिंदा कर दूं या मैं अपने अपने गले में फंदा डालूं? तुम्हारी शादी कतन कम अकली का नतीजा है। तुम्हारी कम अकली, तुम्हारी सारी जिंदगी नाकाम आदमी किसी गुजरी है। हमें हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है तुमसे। अब आपकी इन्हीं बातों ने मुझे हमेशा हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला रखा है। हमेशा आप मुझे यही कहते रहे, मैं नाकाम आदमी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ करने के चक्कर में मैं सब कुछ कर गया हूं। यही मेरा रास्ता है। रही बात शादी की, नामुसाइद हालात में सोनिया ने मेरा साथ दिया। सोनिया मुझे संभाला और बस। मेरी दुआ है कि सोनिया आगे भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हें संभाल ले, जिसकी कम से कम मुझे उम्मीद नहीं है। बिल्कुल उम्मीद नहीं है मुझे। दुआ।
अब दुआ मुझे नहीं चाहिए पा। दुआ बद्दुआ मेरे लिए इसमें कोई फर्क नहीं है। जी सर, लेकिन सारी कामयाबी बेहतर प्लानिंग और टीम वर्क की वजह से हुई है। नहीं तो ठीक है, लेकिन इस तमाम प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड तो तुम ही हो ना। मुझे तुम पर फख्र है, बल्कि तुम सब पर। थैंक यू सर। अगर इसी तरह हम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते रहे तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द जरायम का खात्मा यकीनी हो जाएगा। बिल्कुल सर, बल्कि मेरा भी यही मिशन है। नहीं, हम सबका यही मिशन होना चाहिए। देखो ना, ये जो आज मुजरिम गिरफ्तार किया गया है, क्या नाम है उसका, दिलावर। कभी जीत के कभी जीत के निशानियां, कभी हार के वीरानियां, कभी जीत के निशानियां, कभी हार वीरानियां, सफेदे पे हैं लिखे हुए ये जनून की कहानियां, ये हैं जीत के निशानियां। कई ख्वाब भी बिखर अदावतों के आंधियां, ये हैं जीत के निशान। नामुसाइद हालात में सोनिया ने मेरा साथ दिया, मुझे संभाला और बस। मेरी दुआ है कि सोनिया आगे भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हें संभाल ले, जिसकी कम से कम मुझे उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है मुझे। मुझे नहीं चाहिए पा। दुआ बद्दुआ मेरे लिए इसमें कोई फर्क नहीं है। जी सर, लेकिन सारी कामयाबी
बेहतर प्लानिंग और टीम वर्क की वजह से हुई है। ये तो ठीक है, लेकिन इस तमाम प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड तो तुम ही हो ना। मुझे तुम पर फख्र है, बल्कि तुम सब पर। थैंक यू सर। अगर इसी तरह हम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते रहे तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द जरायम का खात्मा यकीनी हो जाएगा। बिल्कुल सर, बल्कि मेरा भी यही मिशन है। नहीं, हम सबका यही मिशन होना चाहिए। देखो ना, ये जो आज मुजरिम गिरफ्तार किया गया है, क्या नाम है उसका, दिलावर, इसका बड़ा खौफनाक बड़ा भयानक कारोबार था ये। खैर छोड़ो, अब कोई ऐसी हिकमत हमारी तैयार करनी चाहिए कि दिलावर जैसे तमाम मुजरिम गिरफ्तार कर लिए जाएं। फिर मैं देखता हूं कि अगवा बराए तावान का मसला क्यों कर हल नहीं होता। इंशाल्लाह सर, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। सर इजाजत दीजिए जाके इस केस की कार्रवाई भी मुकम्मल करनी। ओके, थैंक यू सर। बात कर रही हूं। नहीं, अभी कहां है पता नहीं उसका क्या बनेगा। अल्लाह ना करे आप पे जाए। जी अच्छी तरह समझती हूँ, जानती हूँ भाई, जानती हूँ। एक बस आप हैं और एक वो है, मैं बेचारी तो दरमियान में हूं। ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन साहबजादे मोबाइल बंद रखते हैं, आपको पता है। नहीं बस छोड़े आप उसको, आप जल्दी से घर आ जाइए। खुदा हाफिज़। बुआ खाना तैयार है कि नहीं? साहब आने वाले हैं, जल्दी करो। आज तो कमाल हो गया कि साहब ने कहा कि मैं घर पर खाना खाऊंगा। मेरा ख्याल है कि शहर में कोई वारदात वगैरह नहीं हुई, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ठीक है, मैं जरा सालन तो चख लूं कि कैसा बना है। जायके में तो बहुत अच्छा बना, साहब खुश हो जाएंगे। ओके सर, फाइन। हाय। तुम और इस वक्त? और तुम्हें पता है मैं दो काम से आया। दो काम? वो भी एक साथ? अच्छा तो फिर ऐसा करो कि दूसरा काम बताओ। मतलब पहला काम मैं बताऊं, दूसरा काम बताऊं? ये पहले और दूसरे में क्या फर्क है भाई? पहले और दूसरे में ये फर्क है कि दूसरा काम मुझे पता है। तुम्हें पता है? वो कैसे? वो ऐसे कि दूसरा काम ही है ना कि मैं मम्मी से बात करूं। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो बात मैं कर चुकी। ना करो, मुझे शर्म आती है। सॉरी। अच्छा फिर और तुम्हें पता है कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? किसने? हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत क्लोज हैं हमसे, बहुत फ्रैंक हूँ मैं हमसे। अच्छा भाई, हमें भी तो पता लगे हमारे मोहसिन का नाम। मोहसिन? डॉक्टर आसिम। डॉक्टर आसिम भाई, मिलवाओ ना कभी उनसे, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। मिलवाएंगे जरूर मिलवाएंगे, लेकिन आज क्यों? यार आज बड़े दिनों के बाद मुझे सुकून मिला है, आज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, बस। मेरे ख्याल से हम दोनों अगर चलें तो कहीं चल के बैठ के आइसक्रीम खाते हैं, चाय भी। तुमने कभी चाय और आइसक्रीम एक साथ खाई है? चाय और आइसक्रीम एक साथ? एक साथ? हाँ। जरूर। हेलो बीबी, कब से तैयार बैठी हो? आप कब आएंगे? आता हूँ भाई, आज बहुत थक गया हूँ, बहुत काम था आज ऑफिस में।
ऊपर से वो इम्तियाज का बच्चा छोड़कर चला गया। कौन इम्तियाज? वो मेरा असिस्टेंट था। अचानक नौकरी छोड़ दी? वही ब्लैकमेल, तनख्वाह बढ़ाने के हर में नौजवानों को नौकरी मिल जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। आप बहुत थके हुए मालूम हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा, मैं रास्ते में मुझे किसी को मिलना है, उसके बाद जनाब सीधा घर आऊंगा। ओके, मैं क्यों, वो कोई दिमाग का इलाज करते हैं? इसीलिए तो लाई हूँ ना। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अस्सलाम वालेकुम। इससे मेरी ये है मिस्टर नसीम। अच्छा, बैठे ना प्लीज। और कैसी बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ये वाहिद काम है जो तुमने वादी के मुताबिक पूरा कर दिया। कौन सा काम? यही इनसे मिलवाने का, वरना मैं तो समझा था कि अब शादी के बाद ही मुलाकात होगी। अब वैसे बेहतर तो यही होता, लेकिन सॉरी, ये जो हमारा जल्दी मिलना है, ये इससे आपको मुसर्रत हुई या? दिली मुसर्रत हुई। खुदा तुम दोनों को खुश रखे। आमीन। सुमामी सुम, मुझे तो इस लड़की से घबराहट सी होने लगी थी। मुझसे क्यों भाई? मैं तो ये समझ रहा था कि सिर्फ तुम कंप्यूटर ही में बिजी रहती हो और शादी उदी का तुम्हारा कोई इरादा नहीं, और इस तरह तुम अपनी अम्मी के लिए एक मसला भी बनी रहोगी। वैसे रब साहब, वो मसला तो मैंने हल कर दिया। अच्छा, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, मुझे भी शर्म आती है ना। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। अच्छा बेटा, है ना, मुझे फोन करके बता देना, मुझे तुम्हारी मम्मी का रिएक्शन भी लेना है। राइट, बताओ तो सही, हुआ क्या है? बताता हूँ जरा सबर से। तुम उसे जानती हो? किसको जानती हूँ? वो शख्स जो भी क्लिनिक के अंदर गया है, शुक्र है खुदा का कि उसे हमें नहीं देखा। वरना वरना क्या क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? कौन है वो शख्स? वो हाँ, मुझे मुझे याद आ रहा है, ये तो क्लिनिक में आता रहता है। आई एम श्योर ये वही है। ना तुम जानती हो इसे? नहीं, लेकिन क्लिनिक में एक दो बार मुलाकात हुई है, देखता बहुत गौर से। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ये मायरा का बाप है। क्या? ये मायरा का बाप है? ये नासिर है? इसीलिए तो मैं कह रहा था कि शुक्र करो उसने हमें नहीं देखा। मेरे तो बहुत सारे रिश्ते हैं ना उसके साथ। ओह नो, मैं पूछूंगी डॉक्टर आसिम से कि यहाँ क्यों आता है। पूछना, लेकिन जरा ख्याल से। अगर डॉक्टर आसिम भी, अब मेरा मतलब है कि उसके दोस्त है ना, जरा होशियार रहे। हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। चलो चलो। तो आपके जमीर ने पहले कभी मलामत नहीं किया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार मलामत हुई मुझे, लेकिन मेरी किसी जरूरत या मजबूरी ने मेरे कदम रोक लिए। देखिए, क्या नाम है आपका? इम्तियाज साहब। जराइम की रोकथाम के लिए हमें इसी किस्म के जमीर की जरूरत होती है। आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि वो बराह रास्त किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं होता, नहायत सफाई के साथ हर मुमकिन निशानी मिटा देता है अपने जुर्म की वक्त से पहले। इस बात का अंदाजा हमें अब हो रहा है। मुजरिम की चालाकियां बहरहाल एक दिन उसके गिर्द घेरा तंग कर देती हैं, और ये वक्त शायद अब आ गया है।
सर दीवान साहब आए। भेजो। अस्सलाम वालेकुम एसएसपी साहब। बैठिए। ये इसको क्यों बुलाया है? यही है एसएसपी साहब, मैं कसम खाता हूँ यही है जिसने मेरे को बर्बाद किया है, मेरी सारी दौलत में मेरा सब कुछ लूट लिया। आपने इसको दफ्तर में क्यों भिजाया है? दीवान साहब आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ भाई? मैं दीवान हूँ, दीवाना नहीं हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है दीवान साहब, आप बैठे इधर। नहीं मैं इसके पास बैठूंगा ही नहीं, खलास। ठीक है, खड़े रहें फिर। हिना हिना प्लीज यार, मेरी खातिर। मुझे अदाकारी करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया यार? देखो थोड़ी सी तो बात है। थोड़ी सी बात है? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं फ्लर्ट का तमाशा करूं, वो भी उस बहरूपिये के साथ? मुझे डर लग रहा है। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो हिना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहां कहां होगे तुम मेरे साथ? क्या उसने मुझे भी? हिना यार, ये किसी की जिंदगी का मसला है, वो बच सकती है। देखो देखो, हमें सिर्फ ये साबित करना है कि वो फ्रॉड है, ही इज अ फ्रॉड। और तुम्हें पता है उसका काम है औरतों को बेवकूफ बनाना। और हिना, उससे अदनान की हालत देखी नहीं जाती है। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। लेट मी थिंक अबाउट इट। नसीम, तुम्हारा क्या ख्याल है? नसीम? यस सर। जी सर। कहाँ खोए हुए हो? आर यू ओके? यस सर, आई एम ओके। बस ये सोच रहा था कि डॉक्टर आसिम से मदद लेनी चाहिए या नहीं। नहीं, मदद लेना और बात है, लेकिन अब हमें नासिर पर नजर रखनी होगी। वो वहाँ बार बार क्यों जाता है, ये हमें चेक करना होगा। सर वो मेरी मायरा से बात हुई थी, उससे पोजीशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अब सिर्फ उस बात को कंफर्म करना रह गया है। आज सर मैं और नसीम साहब हॉस्पिटल जा रहे हैं मायरा की मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। नसीम, तुम ऐसा करो कि दीवान जी और इम्तियाज से कांटेक्ट करो। इम्तियाज इस सिलसिले में बहुत मददगार साबित हो सकता है। जी सर, मैं समझ रहा हूँ सर सारी बात। Can I help you? No thanks. मैंने कॉल कर दी है, कोई आ रहा है। Are you sure? Yes, I am. Thank you. Thank you very much.
As you like. ठीक से बिस्तर पे लेटो। चलो शाबाश। नहीं अम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कौन ठीक है और कैसा ठीक है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। देखो बेटा, तुम्हें मायरा के लिए भी बहुत हिम्मत करनी है।
इसे तुम्हें सहारा देना है। ठीक है मम्मी। देखो अगर तुम्हारे अब्बा ने ऐसे देख लिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। चलो बिस्तर पे लेटो, चल के उठो। ठीक है मम्मी, आप चले, मैं आता हूँ। जल्दी से आ जाओ शाम में जान। देख कैसे पसीना पसीना हो रहा है यहाँ पे बैठा के। ले बात करने के बाद फाइल निकलवा के रखी थी, इसमें मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। वैसे नसीम साहब, ये बड़ी हैरत की बात है कि मायरा के इस्तेमाल में रहने वाली दवाएं बहुत खतरनाक थी। खतरनाक? वो कैसे? एक्चुअली ये सारी मेडिसिंस जो मायरा के इस्तेमाल में थी ये जहन मफलूज करने वाली अद्वियात हैं, और अमूमन वो लोग ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत हो या डिप्रेशन वगैरह, जबकि मायरा तो बहुत कम उम्र थी। तो डॉक्टर साहब, क्या ये मालूम हुआ कि वो ये दवाएं कब से इस्तेमाल कर रही थी? जी, ब्लड टेस्ट से मालूम हुआ है कि ये मेडिसिन तकरीबन साल या डेढ़ साल से ज़ेर इस्तेमाल थी। साल या डेढ़ साल, इसका क्या मकसद है कि वो ये दवाएँ खुद से इस्तेमाल कर रही थी? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो इस एज की लड़की कभी खुद से ऐसा नहीं कर सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शी इज राइट, के उससे वो सब कुछ करवाया जा रहा था। हाँ शायद, बल्कि मुझे तो ये कोई प्लान दिखाई देता है उसका ब्रेन वॉश करने का, क्योंकि आप ये देखें कि उसके पास से जो मेडिसिन की खाली शीशियाँ निकली हैं वो तो कोई बिल्कुल आम सी मेडिसिन की हैं, बज़ाहिर टॉनिक वगैरह। आम शीशियाँ मतलब टॉनिक वगैरह की? डॉक्टर साहब, जब वो यहाँ लाई गई थी मायरा, तो उसकी क्या हालत थी मतलब? हाँ नसीम साहब, जिस दिन वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल लाई गई उससे कोई 3-4 घंटे पहले उसने काफ़ी हैवी डोज में मेडिसिन ली, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि उसका दिमाग माउफ होना यकीनी था और वो गैर इरादी तौर पर कुछ भी कर सकती थी। डॉक्टर साहब, क्या हम ये रिपोर्ट रख सकते हैं? ओह श्योर, इसकी मैंने मुकम्मल कॉपी बनवा कर आप लोगों के लिए रख ली थी, ये आप ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमने आपको बहुत ज़हमत दी। असल में केस भी जो है वो बहुत पेचीदा है, इसलिए आपको तकलीफ देनी पड़ी। वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट, लेकिन सो मेनी थैंक्स। नो इट्स ओके, थैंक यू। अभी तो आप आए थे, फिर जा रहे हैं? हे भाई मियां, अगर सरकारी मुलाजिम हो तो बीवी काम आमदनी की वजह से नाराज होती है, और अगर बिजनेसमैन हो तो मसरूफियात की वजह से नाराज होती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैं तो मजाक कर रहा हूं भाई। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगा? एक बिजनेस डिनर है, और कहाँ जाना है? आपके कारोबार से ना अब मुझे खौफ आने लगा है, आप खतरनाक आदमी हैं। ये तो किताब मुझे अक्सर मिलता रहता है। क्या मतलब, किसी और ने भी कहा है? भाई वो हमदानी साहब है ना, उन्हें एक प्रपोजल दिया था मुझे, कहने लगे कि बहुत खतरनाक आदमी। ओ, मैं तो डरी गई थी। अरे छोड़ो ये डरवर, चलो आज ऐसा करते हैं, अपनी अच्छी बीवी के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। चलो तुम्हें बाहर डिनर कराते हैं। सच? हाँ, तैयार हो जाओ। नहीं, मैं इन्हीं कपड़ों में चलूंगी। अच्छा ठीक, मेरा कोट लाओ। अच्छा Thank you.
कैसी हो मायरा? इन सलाहों के पीछे कोई कैसा हो सकता है? ये तुम इतने बड़े बड़े जुमले कैसे बोल लेती हो? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हो गया और अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा देखो इधर मेरी तरफ देखो शाबाश, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मेरे साथ? नहीं, पापा भी यही कहते थे। मत करो अपने पापा की बात मुझसे, और हाँ ये रोना धोना बंद करो। तुमसे मुलाकात होगी बिल्कुल दूसरी तरह से। दूसरी तरह? क्या मतलब? मायरा सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर लो, सिर्फ थोड़ा सा, फिर मुलाकात होती है। ना क्या बेवकूफी है ये, क्या हो गया है तुम्हें? यही तो मुझे मालूम नहीं। देखो हिना, मैं ज़हीन लोगों की बहुत कदर करता हूँ और तुम एक ज़हीन लड़की हो, फिर इस तरह का जज्बाती फैसला क्या माने? जज्बाती फैसला नहीं है सर, ये जाहिर है बेवकूफी का फैसला है जो बगैर सोचे समझे किया जाए। सर मैं काम नहीं कर सकती। ये बात अगर तुम इधर मेरी तरफ देख कर कहती ना तो शायद मैं यकीन कर लेता, मगर तुम तो डर रही हो अपने आप से। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको। तुम क्या समझती हो तुम घर बैठ जाओगी तो इस तरह तुम्हारी माँ सेहतमंद हो जाएगी? देखो ना, You have to face it. ये सच है कि तुम अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हो, है ना? अगर तुम्हें आराम की जरूरत है तो बेशक कुछ रोज की छुट्टियां ले लो, इस तरह तुम हार जाओगी, और तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ जीतना है। तो सर मैं क्या करूं? सबसे पहले तो ये करो। क्या है सर? रिजाइन, फाड़ दो इसको और टुकड़े टुकड़े करके इसको फजा में बखेर दो। बी ए गुड गर्ल, दैट्स इट। अदनान बेटे को समझाया, दोपहर भी खाना नहीं खाया, अब भी खाना नहीं खा रहे। क्यों बेटा, क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं भूख से खाया नहीं जा रहा। बेटा तुम्हें तो हिम्मत करनी है, अपने लिए नहीं मायरा के लिए। देखो ना बेटा, तुम्हें तो उसका भाई सहारा हो। अंकल मैं कितनी देर से समझा रहा हूँ कि हम बहुत तेजी से तफ्तीश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। हाँ बेटा, वो नासिर साहब का फोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे, लेकिन आजकल जरा तुम एहतियात से काम लो, उनसे न मिलो तो बेहतर है। क्यों अब्बू, कोई खास बात? भाई अंकल ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मायरा के वालिद साहब हैं और वो भी इस तफ्तीश का एक हिस्सा है, उनसे मिलने वालों के नाम भी इस केस में आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम उनसे मिलने वालों में आए। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उनसे ना मिलो। हाँ बेटा, जैसे ये दोनों कह रहे हैं ना वैसे ही करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। Thank you.
बहुत गौर किया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। I will help you, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। हमें उसे जरूर काबू करना चाहिए, लेकिन मुझे ये तो बताओ मुझे करना क्या है। डन, ठीक है, तो फिर मैं अपना काम आज ही से शुरू कर देती हूँ। बाय। भाई मेरे पास इस वक्त तुम्हारे लिए दो खबरें, एक अच्छी और एक बुरी खबर। इज एवरीथिंग फाइन सर? अच्छी खबर ये कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। और बुरी खबर? और बुरी खबर ये है कि ट्रांसफर हो गया मेरा। ओह नो सर, आप जानते हैं ये जॉब सिर्फ मैं आपकी वजह से कंटिन्यू कर रही थी। जानता हूँ जनाब, मगर नौकरी के मामले में नो की गुंजाइश कहाँ होती है बेटा। और हाँ, आज शाम को मिल रहे हैं ना, नए मैनेजर गल्फ से आ रही है, उनको चार्ज मैंने हैंड ओवर करना है और आज उनका रिसेप्शन भी है। ओके सर। ओके, मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम मेरे ऑफिस आके अपना प्रमोशन लेटर भी ले लेना, ठीक है? विश यू बेस्ट ऑफ लक। नासिर साहब जी, हिना बात कर रहे हैं। आपसे मिलना है। आपने कौन सी पहल कर दी? क्या ये अजनबियत खत्म नहीं हो सकती? अरे आप कहती हैं तो फिर आज क्यों? ओके, फिर आज ही मिलते हैं। बाय। अदनान, मुझ पे एतबार नहीं है क्या? एतबार? एतबार तो यार किस्मत पे भी नहीं। पूरी बात ऐसी बात नहीं करते। अरे अब तो हम लोग एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं और यार ये कानूनी मामला है, इसमें बड़ा देखभाल के कदम उठाना पड़ता है। तो देखते रहो तुम लोग, मुझसे नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता? मायरा को कभी देखा है उसको तुमने? जिंदा लाश हो गई है वो। सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। यार हम सभी तो काम कर रहे हैं। और तुम्हें पता है क्या? क्या? हम सब लोगों की वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में है ना? है ना? वो कैसे? इसके पीछे भी एक कहानी है। कई बार सोचा तुमसे कैसे मुलाकात। डॉक्टर आसिम ने भी कुछ नहीं बताया।
देरा है दुरुस्त आए। मोहब्बत फासलों से ही रंग लाती है। ये फासले एक नहीं सकते। नहीं क्यों? कि जब फासले मिट जाएं, तो उनके खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैं तो डर ही गया था। आपकी उम्र अब ऐसी तो नहीं कि आप डरा करें। पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। किससे? अपने हाथ की लकीरों। मेरा ख्याल है ये जो हाथ की लकीरें होती हैं, ये जिंदगी से वफा नहीं करती। लकीरों और मुझ में फर्क है। Ha 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 ha.